फांसी ले लेंगे, मर जाएंगे यहीं, घर जाके कोई कुछ नहीं, मर जाएंगे भाई, मर जाएंगे यहीं, मरेंगे। 1 नवंबर के बाद अगर कुछ नहीं मानते हैं हेमंत सोरेन, उसके बाद तो हम लोग आत्मदाह का भी यहीं पे हम लोग को निर्णय लिया गया है। झारखंड राज्य सेवा विमुक्त चौकीदार संघ के द्वारा 3 दिवसीय धरना राजभवन के समीप दिया गया, जहां इनकी मुख्य मांगे मैं चौकीदार की सेवा भी मुक्ति वापस तत्काल लिया जाए एवं इस आदेश को संशोधन विधेयक प्रस्ताव पारित कर कैबिनेट के अध्यादेश जारी किया जाए। इनका कहना है कि सरकार जो विज्ञापन निकाली है वह बिल्कुल इनके साथ घोर अन्याय है। आगे उन्होंने कहा कि अगर 3 दिनों तक सरकार हमारी बातें नहीं सुनी तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे और यही आत्मदाह करेंगे। मामला मतलब हम लोग चौकीदार 2010 में योगदान है हम लोग का, पूरा डीसी एसपी एसडीओ मिल के सामान्य समिति बैठक से हम लोग को जिला स्तरीय में नियुक्ति किया है बाबूजी के बदले में। एक चांस हम लोग को दिया था बिहार सरकार, उसके बाद झारखंड सरकार हुआ। तो 2010 में नियुक्ति किए, 6 साल नौकरी हम लोग किए, उसके बाद फिर बीजेपी सरकार आया, उसके बाद हम लोग को सेवा विमुक्त कर दिया, बोला नया एडवर्टाइजमेंट द्वारा नियुक्ति होगा, उसके बाद वैकेंसी निकाल दिया। हम लोग गिरे हुए रह गए इसके लिए, हम लोग 6 साल नौकरी किए, इसके बदले हम ना कहीं काम कर सकते हैं, उम्र चला गया, बच्चा बुतरू सब रोड में आ गया, अब हम क्या करें, हमारा कोई उपाय नहीं है, ना कोई वैकेंसी भी भर सकते, उम्र भी चला गया मेरा, अब क्या करें। ना हेमंत सोरेन से हम दुमका से हैं, मुख्यमंत्री साहब से हम भेंट किए थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, तो दुमका में कहे थे हेमंत सोरेन जी तुम लोग का काम होगा जी, तुम लोग का हम जान रहे हैं कि तुम लोग आधा रास्ता में टूट गया है, तुम लोग का काम होगा। तो उसके बाद स्पीकर महोदय मेरा गांव का है, हम जामतरा से हैं, नाला विधानसभा से। तो स्पीकर महोदय मैडम दीपिका सिंह पांडे जो कांग्रेस विधायिका है उनसे हम लोग बोले तो आश्वासन समेत ही मानसून सत्र में बात उठाए, बात उठाने के बाद तब्दील कर दिया वो आश्वासन समय सीमा। उसके बाद बैठक चलते रहा, 2-4 बैठक चला, गृह सचिव को बुलाया, गृह सचिव बोला कि 3 महीना के अंदर, 90 दिन के अंदर इन लोग 450 विमुक्त चौकीदार को हम वापस कर लेंगे, उसके बाद हम जो भी बचा हुआ रहेगा हम वैकेंसी निकालेंगे। तो अभी 4 महीना हो गया, अभी तक वापस हम लोग को नहीं किया, इसी के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक हम लोग वापस नहीं होते हैं तब तक हम लोग यहीं आत्मदाह कर देंगे। 3 दिवसीय है और बढ़ाएंगे, हम लोग फांसी ले लेंगे, मर जाएंगे हम यहीं, घर जाके कोई कुछ नहीं, मर जाएंगे यहीं भाई, मर जाएंगे यहीं, मरेंगे। हम लोग का धरना बैठने का मकसद यही है कि हमारे 450 चौकीदार और दफादार को बर्खास्त कर दिया गया, जिसमें बीजेपी का काल शासन था उस टाइम, और हमारे हेमंत सोरेन जब सरकार बना जेएमएम गठबंधन का, तो उसमें हम लोग उससे पहले मिले थे जिस समय सरकार नहीं थे, तो उसने वादा किया था कि मेरा सरकार अगर आएगा, मैं सरकार बनूंगा, तो आप लोग को हम जितने भी मांग है हम एक बार में आप लोग को पूर्ति कर देंगे। उसके बाद हम लोग सरकार से बहुत बार मतलब जाके बात भी किए और सरकार बोला कि मेरे संज्ञान में है, हम आप लोग को काम कर देंगे। तो इसी के बीच में हमारे एक आश्वासन समिति में विधानसभा में आवाज़ उठाए दीपिका पांडे सिंह, तो उसको अध्यक्ष महोदय जो हैं आपका रविंद्रनाथ महतो जी, उसने एक आश्वासन समिति का ये करवा के विधानसभा में एक कमेटी गठन किए, उसका नाम था आश्वासन समिति। उसमें आश्वासन समिति में ने सभी को राजीव रेणुका को होम सेक्रेटरी प्रधान सचिव सबको बुलाए गए, और बुलाने के बाद उसने बहुत तरह का लगभग दो साल तक हम लोग का चला इस मैटर। उसका मैटर एक बार फिर हुआ, उसका फाइनल रिपोर्ट आया कि 450 चौकीदार को हमने वापस करने के लिए वहाँ पे बात रखी गई, तो उसने बोला कि सर हमको 15 दिन विधानसभा से रिपोर्ट बन के गया कि 15 दिनों के अंदर मैं पदस्थापित करके विधानसभा को सूचित करेंगे। इसमें विधानसभा के 15 दिनों के अंदर उसने नहीं किया, उसके बाद फिर एगो बैठक के लिए स्पीकर साहब उसको रिमाइंडर किया गया कि अभी तक आपने 15 दिनों के अंदर पदस्थापित करके विधानसभा को सूचित नहीं किए।
तो उस पर रिमाइंडर करने के बाद फिर से गिरा सची को, जिसमें राजीव नेक्का को फिर से बुलाया गया, तो उसने फिर एक बार वादा किया कि सर मैं 3 महीना के अंदर 450 चौकीदार को वापस कर लूँगा। तो 3 महीना के गुजरने के बाद आज हमारे साढ़े चार महीना हो चुकी है, और 4.5 महीना होने के बाद ना अभी तक वो हम लोग को कुछ किया, और उसी के जस्ट हम लोग को परिणाम आज उल्टा हो रहा है कि हमारे बीट पर सभी जिला में विज्ञापन निकालने के लिए गृह विभाग से घोषित कर दिया गया है, और हम लोग को इससे बिजोड़ फिर चलेगी अनिश्चितकालीन के लिए, फिर धरना 1 नवंबर के बाद अगर कुछ नहीं मानते हैं हेमंत सोरेन उसके बाद तो हम लोग आत्मदाह का भी यहीं पे हम लोग को निर्णय लिया गया है। झारखंड चौकीदार दफादार विमुक्त चौकीदार दफादार का जिला अध्यक्ष इंद्रजीत रजक, मैं सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि हमारी जो नियुक्ति नियमावली 2015 में जो सुरक्षित रखी गई और हम लोग उस नियमावली के तहत 1 साल काम किए, और हम लोगों को उस नियमावली में यह कहा गया कि जो नियमावली में विधिवत नियुक्त हैं उसको स्वतः शामिल समझे जाएंगे, इसके बावजूद भी हम लोग को हटा दिया गया। देखिए हम लोग आज रोड पर इसलिए आए हैं, 3 दिवसीय धरना हम लोग इसलिए किए कि पिछली सरकार रघुवर दास की सरकार हम लोग 5 साल 6 साल काम करा के हटा दिया गया। हटाने के बाद हम लोग की सरकार हेमंत सोरेन जी की बनी, चुनावी घोषणा में हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि मेरी सरकार बनेगी तो आप लोग को एक बार भी मेरे आवास पर मेरे दरवाजे पर दौड़ने की जरूरत नहीं, आप लोग को 450 का नियुक्ति कर लिया जाएगा। ऐसा ना करके सभी उपायुक्तों को झारखंड में विज्ञापन निकाला जा रहा है, तो अगर विज्ञापन निकल जाएगा तो हम लोग आज 5 साल 6 साल काम किए फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। इसलिए हम लोग विज्ञापन का विरोध नहीं करते हैं। 10,000 वैकेंसी है झारखंड में, हम लोग को 450 विमुख चौकीदारों को वापस लेते हुए विज्ञापन निकाले, यही हम चैनल के माध्यम से आपसे मांग करते हैं। संतोष तुरी, सेवा विमुख चौकीदार, झारखंड। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।